प्रकोष्ठ की बैठक मंगलवार को अग्निकन्या भवन उषा ग्राम में आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता संजीव पांडे ने की। यहां बतौर अतिथि पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ अध्यक्ष विवेक गुप्त, विधायक से टीएमसी जिला अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी, जिला तृणमूल कोऑर्डिनेटर हरेंद्र राम सिंह, हिंदी सेल के विभागीय संयोजक जगदीश शर्मा व अन्य मौजूद थे। सुश्री ममता बंदोपाध्याय हमारे चीफ मिनिस्टर भी, हमारे पार्टी की सुप्रीमो भी हैं और उनके आदेश से जो हमारा तृणमूल का हिंदी भाषा प्रकोष्ठ है उसका काम हमने संभाला है। मैं अध्यक्ष हूँ, दिनेश त्रिवेदी चेयरपर्सन है। 2011 से हिंदी भाषा भाषी इलाकों में कभी भी चर्चा होती है और जब कैंडिडेट का लिस्ट बनता है, एक नियम था, मैंने तो पॉलिटिक्स बहुत क्लोजली देखा है, एक नियम था कि जब कैंडिडेट का लिस्ट बनता तो नॉन बंगाली नाम या हिंदी भाषा भाषी नाम को काट दिया जाता था। कम से कम 2011 के बाद वो नहीं होता। कई जगह ये भी होता है कि हम लोग 30% है, 70% नॉन बंगाली है, मगर अगर कैंडिडेट में योग्यता है, अगर वो जनप्रिय है, अगर वो जितेंद्र तिवारी है और बनने के लायक है तो उसके कलम से वो नेता बनेगा। खाली इसलिए नेता नहीं बनेगा क्योंकि वो हिंदी भाषा भाषी है या नहीं। कि आप लोग कहीं पर भी अन्याय मत करें, हिंदी भाषा भाषी होना इस देश में, इस प्रदेश में गर्व की बात होनी चाहिए।